वेलकम व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ अतरंगी चिकन। चलो शुरू करते हैं। चिकन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैरिनेट करेंगे। चिकन मैंने लिया है 2 kg, उसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला है 1 tablespoon। इसे फिर मैं स्पाइसेस डाली हैं, सिर्फ 3 ही डाली हैं, नमक, मिर्च और हल्दी 1/2 tablespoon, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। फिर मैंने प्याज को ब्राउन किया है। अगर आपके पास अवेलेबल है फ्राइड अनियन तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने साथ ही कर लिया। फिर हमने जो चिकन मैरिनेट किया था 15 से 20 मिनट के बाद हमने लेना है, उसको सिर्फ शैलो फ्राई करना है। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाला है चिकन, फिर इसको मैं पलटा रही हूँ। बस इसको जब हाफ कुक हो जाए तो हमने इसको बाहर निकाल लेना है। सेकेंड स्टेप शुरू करते हैं। मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने शैलो फ्राई किया था चिकन को। आप न्यू पैन अगर लेते हैं तो 8 tablespoon आप ऑयल डाल दें। फिर मैंने जो फ्राई किया था अनियन वो डाले हैं। अगर आपके पास रेडीमेड बाज़ार वाले पड़े हुए हैं फ्राइड अनियन तो 1 cup डाल दें। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 tablespoon। फिर मैंने कुछ स्पाइसेस डाली हैं, नमक लिया है 1/2 teaspoon, ज़ीरा पाउडर 1 tablespoon, धनिया पाउडर 1 tablespoon, लाल मिर्च 1/2 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, गरम मसाला 1 teaspoon, और मैंने फूड कलर लिया है 1/4 teaspoon। फिर मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है 1.5 cup। डालने के बाद उसको आप अच्छे तरीके से हला लें। फिर मैंने मलाई डाली है 1 tablespoon। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हला लें। फिर इसमें मिल्क ऐड कर लें 1 cup, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये इस तरह की फॉर्म में हो जाएगा तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें 1/2 cup ऑलमोस्ट लिया होगा। फिर मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन को शैलो फ्राई किया था वो डाल देना, जो हाफ कुक था हमारा चिकन। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और भून लें इसमें। भूनने के बाद आप इसको जब थोड़ा सा भून लेंगे तो आप इसको अंदर 1/4 cup पानी ऐड कर लें अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं तो हाफ कुक था इसलिए मैंने 1/4 cup डाले। अगर आपको लगता है कि कम डालना तो आप कम भी डाल सकते हैं पानी, एज रिक्वायर्ड। फिर आप इसको दम देते हैं अच्छे तरीके से हिलाने के बाद। मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद देखा था तो मेरा बन चुका था। आप देखना 20 मिनट्स के बाद बनता है या कितने टाइम बाद बनता है वो आप देख लीजिएगा। मैंने 15 मिनट्स के लिए दम दिया था, फिर मेरा रेडी ऑलमोस्ट हो गया था। फिर आप चेक कर लें इसको कि बना है कि नहीं बना आपका चिकन। मेरा बहुत टेंडर हो गया था। फिर आपका तैयार हो जाएगा। फिर